ये क्रिकेट बोर्ड से लोग बता रहे हैं मेरे पे ना इल्जाम लगा रहे हैं। आप नहीं दिखा रहा, लेकिन क्या समझते हैं आप किस तरह वे आउट निकलना चाहिए? एशिया कप का मामला भी है, फिर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के लिए इंडिया भी जाना है। देखिए आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम लोगों ने देखें जितना हम लोगों ने सफ़र किया है पिछले कुछ सालों में, और उसके बाद अब जिधर हम स्टैंड करें, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग बड़े प्रोफेशनली बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। टीमें आ रही हैं, दुनिया की बेस्ट टीमों ने हमारे इधर विज़िट किया। इंडिया के साथ आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल टर्म्स एंड इश्यूज़ हैं जो चलते रहे हैं। आई थिंक ये ऊपर गवर्नमेंट्स का जो है वो इशू है, आई थिंक उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बट एज ए क्रिकेटर मैं ये कहूँगा या एज ए स्पोर्ट्समैन मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सो इंडिया को हमारे पास आके खेलना चाहिए, हमें इंडिया के पास जाके खेलना चाहिए, लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं हमें उसके साथ वी हैव टू कोप विद इट। नहीं नहीं मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं जिम शिम करके आया हूँ आज भी, ट्रेनिंग कर रहा हूँ और क्रिकेट बॉलिंग शॉलिंग भी शुरू की हुई है मैंने। ऑब्वियसली देखें ये क्रिकेट जो है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, और ऑब्वियसली जो कुछ भी हो आज उसकी वजह से हो, तो उसको तो लेट गो नहीं कर सकते। अभी बाय चांस आपको पता है कि समर्स हैं अभी जो है वो, क्योंकि लास्ट ईयर मैं 100 खेलने गया था, इस साल अभी तक 100 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सो देर इज़ नथिंग। अभी जो 2-3 महीने का गैप है, बट इसमें प्रैक्टिस करूँगा, मैचेस वगैरह खेलता रहूँगा, इंशाल्लाह अपने आप को जो है वो इन्फॉर्म रखूँगा, क्योंकि आगे फिर उसके बाद अक्टूबर में जिस तरह श्रीलंका की लीग आ रही है या आगे जो लीग्स आ रही है उसमें इंशाल्लाह फिर जो वो पार्टिसिपेशन होगी। लीग्स तो मैं खेलूँ, तो आपकी तरह श्रीलंका ने ईमेल किया और बांग्लादेश ने किया जो अभी इसराइल से रूम हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, क्या अफगानिस्तान के साथ हमने इतना अच्छा बर्ताव किया? हमने खुद देखा यहाँ पे आके वो खेलते रहे, सीखते रहे, NCL में नीचे बैठे रहते थे, सब कुछ देखा हमने, तो क्या इनको भी नहीं आना चाहिए दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए? देखिए हम अफगानिस्तान से खेलने गए हैं दुबई में जो उनका होम ग्राउंड था, तो अफगानिस्तान को भी आना चाहिए, इसमें तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आना चाहिए, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि एशिया की जितनी भी टीम्स हैं उन सबको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। वाबई क्या समझते हैं आपके जिस तरीके से ये जो एशिया कप वाला मामला चल रहा है और जिस तरह से लचक दिखाई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि 4 मैचेस आप इब्तदाई खेल लें और उसके बाद मैच शिफ्ट कर लें न्यूट्रल वेन्यू पे, क्या समझते हैं कि भारत को इसके ऊपर लचक दिखानी चाहिए, प्रपोजल ठीक है, या आप समझते हैं कि अपने स्टांस पर रहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी वर्ल्ड कप ना खेलने जाएं? देखिए मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है वो इस वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना करें। सबको यही होता है कि आप वर्ल्ड चैम्पियंस बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली सिनेरियो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यू कैन नॉट पुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर हम सारे रियलिस्टिक हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में ना जाए। सो आई थिंक वर्ल्ड कप में ज़रूर जाना चाहिए, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, जहाँ तक रह गई ये 4 मैचेस यहाँ पे होंगे और कुछ वहाँ पे होंगे। अगर इंडिया नहीं मानती, देखिए एशिया कप पाकिस्तान को कराने से पाकिस्तान को फ़ायदा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा, सो आई थिंक वो होना चाहिए। 4 मैचेस भी हो रहे हैं, आई नो नॉट अ गुड सिनेरियो, पर होने ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो मैचेस ज़रूर होने चाहिए। Thank you.